नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अयोध्या कांड से 16वां सर्ग, षोडश सर्ग। और आज हमारा विषय वस्तु है सुमंत्र का श्री राम के महल में पहुंचकर महाराज का संदेश सुनाना और श्री राम का सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर गाजे बाजे के साथ मार्ग में स्त्री पुरुषों की बातें सुनते हुए जाना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सतदंतः पुर द्वारम समतीत्य जनाकुलम प्रविविक्ताम ततः कक्ष्यामास साध पुराणवित् प्रासकार्मुक विभ्रद्धेर्युवभिर्मृष्ट कुंडलैः अप्रमादभिरेकाग्रैः स्वानुरक्तैरधिष्ठिताम् तत्र कषायिणो वृद्धान् वेत्रपाणीन स्वलंकृतान् ददर्श विष्टितान् धारी सध्यक्षान् सुसमाहितान् ते समीक्ष समायान्तम् रामप्रियचिकीर्षवः सहसोत्पतिताः सर्वे ह्यासनेभ्यः ससंभ्रमाः। पुरातन वृतांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्षा में जा पहुंचे जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी। वहां श्रीराम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्रचित एवं सावधान युवक प्रास और धनुष लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उस ज्योढ़ी में सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतःपुर की स्त्रियों के अध्यक्ष तथा संरक्षक थे। सुमंत्र को आते देख श्रीराम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेगपूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। तानुवाच विनीतात्मा सूत पुत्रः प्रदक्षिणः क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमंत्रो द्वारे तिष्ठति ते राममुपसंगम्य भर्तुः प्रिय चिकीर्षवः सह भार्याय रामाय क्षिप्रमेवा च चक्षिरे प्रतिवेदितम् आज्ञाय सूतमभ्यंतरं पितुः तत्रैवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया। राज सेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूत पुत्र सुमंत ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचे। उस समय श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुना दिया। द्वार रक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वहीं अंतःपुर में बुलवा लिया। तम वैश्रवण संकाशम उपविष्टम स्वलंकृतम ददर्श सूतः पर्यंके सौवर्णे सोतरच्छदे वराहरुधिराभेण शुचिना च सुगंधिना अनुलिप्तं पराधेन चंदनेन परंतपं स्थितया पार्श्वतश्चापि वालव्य जनहस्तया उपेतं सीतया भूयश्चित्रया शशिनं यथा तम तपन्तमिवादित्यमुपपन्नं स्वतेजसा ववन्दे वरदं वन्दी विनयज्ञो विनीतवत्
प्राञ्जलिः सुमुखं दृष्ट्वा विहारशयनासने राजपुत्रमुवाचेदं सुमन्त्रो राजसत्कृतः। अब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने देखा कि श्री रामचंद्र जी वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते थे और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान थे। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्रीअंगों में वराह के रुधिर की भांति लाल पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चंवर डुला रही थी। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। विनय के ज्ञाता वंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को अत्यंत विनीत भाव से प्रणाम किया। विहार कालिक शयन के लिए जो आसन था उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, कौशल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यताम तत्र माचिरम् एव मुक्तस्तु संहिष्टो नरसिंहो महाद्युतिः ततः सम्मानयामास सीतामिदं वाचः देवी देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे मन्त्रयेते ध्रुवं किञ्चिदभिषेचन संहितं लक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रिय कामा सुदक्षिणा संचोदयति राजानं मदर्थमसी ते क्षणा। तो सुमंत्र हाथ जोड़कर श्री राम से कह रहे हैं, हे श्री राम, आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई हैं। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब न कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ श्री राम ने सीता का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, देवी, जान पड़ता है कि पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात हो रही होगी। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने वाली इच्छा वाली परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रों वाली माँ कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होंगी। सा प्रहृष्टा महाराजम हित कामानुवर्तिनी जननी चार्थ कामा में कैकेयाधिपते सुता दिष्टया खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह सुमंत्रम प्राहिणो दूतमर्थ कामकरं मम यादृशी परिषत् तत्र तादृशो दूत आगतः ध्रुवमद्यैव माम राजा यौवराज्ये अभिषेक्षति हन्त शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिं सह त्वं परिवारेण सुखमास्वरमस्व च पति सम्मानिता सीता भर्तारमसि ते क्षणा आद्वारमनुवव्राज मंगलान्यभिदध्युषी। राम आगे कहते हैं प्रसन्न चित्त होकर कि मेरी माता कैकेयी कुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं, साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं, अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है।
जैसी वहां अंतरंग परिषद बैठी है वैसे ही दूत सुमंत जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूंगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुख पूर्वक बैठो और आनंद करो। तो पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गई। राजम द्विजातिर्भिर्जुष्टम् राजसूयाभिषेचनम् कर्तुमर्हति ते राजा वासवस्येव लोककृत् दीक्षितं व्रत संपन्नं वराजिन धरम शुचिं कुरंग श्रृंग पाणिं च पश्यन्ति त्वां भजाम्यहम् पूर्वां दिशं वज्र धरो दक्षिणां पातु ते यमः वरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तुत्तरां दिशम् अथ सीतामनुज्ञाप्य कृतकौतुकमङ्गलः निष्काम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशना पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः लक्ष्मणं द्वारसोपश्य प्रहवाञ्जलिपुटं स्थितम्। तो उस समय श्री राम को द्वार तक पहुंचाते हुए सीता आई और बोली, आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोक स्रष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था, आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हो, तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर, श्रेष्ठ मृग चर्म धारी पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हो, और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामना है। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। तदनंतर सीता की अनुमति ले उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकल कर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े हुए खड़े थे। अथ मध्यम कक्षायाम समागच्छत सुहृज्जनैः स सर्वानर्थिनो दृष्ट्वा समेत्य प्रतिनन्द्य च ततः पावक संकाशमारुरोह रथोत्तमं वैयाघ्रं पुरुष व्याघ्रो राजितं राजनन्दनः मेघनादम संबाधम मणिहेम विभूषितम् मुष्णन्तमिव चक्षूंषि प्रभया मेरुवर्चसम् करेण शिशुकल्पैश्च युक्तं परमवाजिभिः हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवाशुगम् प्रययौ तूर्णमास्थाय राघवो ज्वलितः श्रिया सपर्जन्यैवाकाशे स्वनवानभिनादयन् निकेतानन्निर्ययौ श्रीमान् महाभ्रादिव चन्द्रमा। तदनंतर मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले और फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देख उन सब से मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्रीराम व्याघ्र चर्म से आवृत शोभाशाली तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ की घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी।
वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे, जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित श्री रघुनाथ जी उस समय रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघ की भांति अपनी घर घर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघ खंड से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। चित्र चामर पाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः जुगोप भ्रातरं भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः ततो हलाहल शब्द स्तुमुलः समजायत तस्य निष्क्रम माणस्य जनौघस्य समन्ततः ततो हयवरा मुख्या नागाश्च गिरे सन्निभाः अनुजग्मुस्तथा रामं शतशोऽथ सहस्रशः अग्रताश्चस्य सन्नद्धाश्चन्दना गुरुभूषिताः खड्ग चाप धराः शूरा जग्मुरा शंसवो जनाः ततो वादित्र शब्दाश्च स्तुति शब्दाश्च वन्दिनाम् सिंहनादाश्च शूराणाम् ततः शुश्रुविरे पथि हर्म्यवातायनस्थाभिर्भूषिताभिः समन्ततः कीर्यमाणः सुपुष्पौ घैर्ययौ स्त्रीभिरन्दिमः रामं सर्वान् वद्याङ्गो राम पिप्रीषया ततः वचोभिः अग्रयैर् हर्म्यस्तथा क्षितिस्थाश्च ववन्दिरे नूनं नन्दति ते माता कौसल्या मातृनन्दना पश्यन्ति सिद्धयात्रं त्वां पित्रं राजमुपस्थितम् सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीतां सीमन्तिनी वराम् अमन्यन्त हिता नार्यो रामस्य हृदयप्रियाम् तया सुचरितं देव्या पुरा नूनं महत्तपः रोहिणीव शशाङ्केन राम संयोगमापया इति प्रासाद शृङ्गेषु प्रमदाभिर्नरोत्तमः शुश्राव राजमार्गस्थः प्रिया वाच उदाहृता। तो श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चंवर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे और फिर तो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन समूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशाल काय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगुर से विभूषित हो खड्ग और धनुष धारण किए बहुत से शूरवीर तथा मंगलाशंसी मनुष्य बंदी आदि चल रहे थे। तदनंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि बंदी जनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रु दमन श्री राम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थी। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस समय अट्टालिकाओं और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी युवतियां श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति गाने लगी। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता
कौशल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होंगी। वे नारियां श्री राम की हृदय वल्लभा सीमंतिनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी, उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त किया है। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रासाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये प्यारी प्यारी बातें सुन रहे थे। स राघवस्तत्र तदा प्रलापान शुश्रावलोकस्य समागतस्य आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः प्रहृष्ट रूपस्य पुरे जनस्य एष श्रियं गच्छति राघवो अद्य राजप्रसादाद् विपुलां गमिष्यन् एते वयं सर्व समृद्ध कामा येषामयं नो भविता प्रशास्ता लाभो जनस्यास्य यदेश सर्वं प्रपश्यते राष्ट्रमिदं चिराय नाह्य प्रियं किंचन जातु कश्चित् अश्येन दुःखं मनुजाधिपेयस्मिन् स घोषवद्भिश्च हयैः सनागैः पुरः सरैः स्वस्तिकसूत मागधैः महीयमानः प्रवरैश्च वादकैर्भिष्टुतो वैष्णवणो यथा ययौ करेणु मातङ्गरथाश्वसङ्कुलम् महाजनौघैः परिपूर्ण चत्वरम् प्रभूतरत्नम् बहुपण्य संचयम् ददर्श रामो विमलम् महापथम्। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहाँ श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप और तरह तरह की बातें कर रहे थे, अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। वे कहते थे, इस समय ये श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। यदि यह सारा राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथ में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए यह महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। हिनहिनाते हुए घोड़ों, चिंघाड़ते हुए हाथियों, जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले वंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की विरुदावली बखानने वाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुण गायकों के तुमुल घोष के बीच उन वंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथिनियों, मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसके दोनों पार्श्व भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थी तथा विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहां दिखाई देते थे। वह राजमार्ग बहुत ही साफ सुथरा था, श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए तैयार। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में यह 16वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्य अयोध्या कांडे 16 सर्ग। ओम श्री सीता रामचंद्रा।